वीडियो में आप देखेंगे दो डिजाइनें जो कि काफी सुंदर है। ये सिर्फ डिजाइन काफी अच्छी बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी नई नई वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने स्लीव कट कर लिया है, साइज बता देते हैं। ये देखिए अस्तर है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। पहले अस्तर पे ही आपको साइज और डिजाइन बता देते हैं। लंबाई देखिए 11.5 इंच ली है और जो इसकी विड्थ ली है मैंने 10.5 इंच ली है। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। तो एक स्लिप पे पहले ड्राफ्ट कर लेते। तो देखिए हम इस तरीके से नीचे से 7.5 इंच लिया है। 7.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। इसके बाद नीचे से हम 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ने के बाद अभी यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच में ही एक बॉक्स बना लेंगे क्योंकि ये 1.5 इंच का गैप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद सेम यहाँ से यहाँ तक कट कर लेंगे। देखिए ये दोनों स्लिप मैंने एक साथ कट कर लिया है और अभी आपको खोल के भी दिखा देते। देखिए इस तरीके का ये कट आएगा। अभी जो ये पीस निकला है इसी को रखे कैनवास कट। अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो कैनवास की ज़रूरत नहीं है। अगर बिना अस्तर की स्लिप बना रहे हैं तो कैनवास और पट्टी कट कर लें। मैं अस्तर वाली बना रही हूँ इसलिए कैनवास कट नहीं कर रहा। सिलाई का तरीका बताती हूँ। नीचे स्लीव रख लिया है, ऊपर से मैंने अस्तर रख लिया है। अभी जो ये शेप है सेम शेप को हम स्टिच कर लेंगे और इस पार्ट को कट करके इसको पलट स्टिच कर दिया है। इस पार्ट को कट कर देते हैं, कट कर दिया, बीच बीच में कट भी दे दिया है और यहीं से इसको पलट देते। इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें हम डिजाइन देने वाले हैं। उसके बारे में देखिए मैंने ये कुछ डिजाइनें तैयार करी हैं। ये डिजाइनें कैसे तैयार करी हैं वो आपको बता देते हैं। तो मैंने स्ट्रेट 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था और उसको डबल फोल्ड करके पलट दिया है और मैंने इसमें से 2 इंच की लंबी पट्टी कट कर लिया है। 2 से 2.5 इंच आप ले लें। और देखिए एक मैंने ये गोल्डन मोती लिया है और सेम कलर का धागा ले लेंगे और इस पीस को यहाँ पे हम फोल्ड कर देते हैं और ऐसे बड़ा बड़ा सिलाई लगा के इसको धागे को हम खींच देंगे। इस तरीके से धागे को खींच देंगे तो ये डिजाइन हमारी यहाँ पर इस तरीके की तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ पर मोती से इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके की ये बटरफ्लाई हमारी तैयार हो जाएंगी। अभी एक पेपर लेते हैं और इनको स्टिच करते हैं। पेपर एक पेपर ले लिया है और पेपर इतना लंबा ले लें जितना लंबा हमारा ये कट है और इस पे पेपर पे हम इस तरीके से इन डिजाइनों को तैयार करेंगे। तो मैं थोड़ा दूर दूर में लगाऊंगी तो ये 3 डिजाइन ही इसमें स्टिच करूंगी मैं इस तरीके से बराबर का गैप देते हुए। इसको साइड में रख देते हैं। इस तरीके से 3 डिजाइन हमारे तैयार हो गए। अभी हम यहाँ पर इनको अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से पूरे में इसको स्टिच कर देते हैं। अभी सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टिच हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लेस लगाने वाली। तो देखिए जो पतली वाली लेस है इसको हम यहाँ से शोल्डर से इस तरीके से एक लाइन यहाँ एक लाइन इस लाइन में 2 लाइन यहाँ पे दोनों साइडों में आ जाएगी और एक चौड़ी लेस ली है जो कि मोहरी में अटैच कर। देखिए ये दोनों साइडों में मैंने लेस लगा दी है और एक लेस मैंने यहाँ पे मोहरी में लगा दी। नीचे मैंने थोड़ा सा पाइपिंग जितना छोड़ दिया है, इससे क्या है हमारा अच्छा लुक आ जाएगा। और देखिए ये हमारे दो यहाँ पे बटरफ्लाई लग रही है और सेंटर में एक एक मोती आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कट भी दिख रहा है और डिजाइन भी दिख रही है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इस स्लिप डिजाइन का। और देखिए इसी स्लिप डिजाइन के लिए मैंने ये सुंदर सी ब्लाउज की डिजाइन बनाई है जो कि काफी अच्छी डिजाइन है। तो आप ये डिजाइन भी देख लें जिससे आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। ये ब्लाउज डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नई नई वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ब्लाउज मैंने कट कर लिया, ये ब्लाउज है और देखिए ये अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर पर ड्राफ्ट करेंगे।
देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई मैंने 14.5 इंच ली है और ये 34 साइज का है। जब हम तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा फोर्थ भाग, और 2 इंच का मार्जिन लिया है। मुड्डे मैंने 5.5 इंच लिए हैं और शोल्डर भी 5.5 इंच लिया है। और अभी नेक ड्रॉ करते हैं। देखिए, शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ, और जितना आप डीप रखना चाहें उतना रख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजाइन आने वाली है। तो मैं इसको 12.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, अभी इसमें डिजाइन देंगे। तो देखिए, ये जो डिजाइन है हमारी, ये वी नेक में आएगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस में स्केल को रख लेंगे यहाँ से। अगर आप थोड़ा और ब्रॉड रखना चाहते हैं तो इसको ब्रॉड रख सकते हैं, क्योंकि मैं वी शेप में रख रही हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बनती है डिजाइन। इसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, इस तरीके से इसका ड्राफ्ट रहेगा। अभी इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर। तो देखिए, मैंने कैनवास ले लिया, इसको डबल फोल्ड कर लिया है, इसी तरीके से रख लेंगे। और बाहर इसका 1 इंच ले लेंगे। देखिए, मैंने कैनवास भी कट कर लिया है। नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रख लिया, इसके ऊपर अस्तर, और देखिए ये कैनवास रख दिया है। और यहाँ पे हम इसको स्टिच करेंगे, लेकिन हम इसमें लूप लगाने वाले हैं। तो खैर, हम इसके अंदर से लूप लगाएंगे तो जो कपड़ा है वो दिखेगा नहीं लूप का। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। स्ट्रेट पट्टी साइज बता देती हूँ। देखिए, 2 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ले ली है, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। तो इसकी डोरी पतली वाली तैयार हो जाएगी। फिर इसके पीस कट कट करके यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद फिर सेम कपड़े की हम डोरी बना लेंगे, और डोरी को फिर यहाँ पर डिजाइन करेंगे। अभी देखिए, सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो शोल्डर से हम मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, शोल्डर से 5.5 इंच पर स्टिचिंग डालनी है, और 5.5 इंच के बाद इसमें लूप लगाना स्टार्ट करना है। सेम इस साइड में भी, जो मैंने डोरी ली थी, उस कपड़ा जो लिया था उसको पलट के इस तरह की डोरी तैयार कर ली है, और इसको मैंने 1.5 इंच लंबाई में कट कर लिया। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और अभी जो ये पार्ट है, देखिए जो ब्लाउज का पार्ट है, इसके अंदर हम यहाँ पर रख देंगे, और फिर से एक रख लेंगे। यहाँ पर आप जितना गैप रखना चाहें आपकी चॉइस है, 1 इंच या 1.5 इंच का जितना भी रखे। मैंने 1.25 इंच के आसपास रख लिया है। अभी सेम इसके सामने ही हम अभी लगा देंगे इस साइड में। देखिए, इसके सामने आने चाहिए। अभी इस पीस को कट कर देते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी प्लेट भी डाल दी है और साइड में स्टिच भी डाल दिया है। और देखिए, मैंने ये जो साड़ी का कपड़ा है उसका मैंने ये रस्सी बना लिया है। तो इस रस्सी को हम देखिए ऊपर से डालेंगे। यहाँ रस्सी आप जितना लंबा रखना चाहें, 1.25 से 1.5 मीटर जितना भी रखना है उतना ले सकते हैं। और एक साइड हम यहाँ से निकालेंगे। अभी देखिए, इस साइड की डोरी को इस साइड से निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से ये जिग जैग होती हुई आ जाएंगे। यहाँ पे मैं टसन लगा लेती हूँ। देखिए, जो डोरी है इसको मैंने जिग जैग करते हुए नीचे तक निकाल दिया है, देखिए इस तरीके से। और जो डोरी है नीचे, मैंने ये टसन लगा दी है। सिंपल से लगाएं, आप कोई भी डिजाइनर टसन लगा सकते हैं। अभी जो नीचे कमर है इसमें फिनिशिंग देंगे, और जो नेक है इसमें लेस लगाएंगे। तो देखिए, मैंने ये गोल्डन लेस ली है, ट्रायंगल वाले, आप कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इस लेस को मैं यहाँ पे नेक में इस तरीके से लेके, जो हमारे ब्लाउज की शेप है, सेम शेप में स्टिच कर देंगे, और एक लाइन फिर कमर में भी। तो देखिए, जो लेस है तो मैं यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट कर, तो देखिए मैंने नेक में स्टिच कर ली है, इसी तरीके से कमर में कर दूँ। देखिए, जो लेस लगाई है मैंने ट्रायंगल वाली, देखिए ऊपर से मैंने पूरे नेक में स्टिच कर दी है, सेम मैंने कमर में भी स्टिच कर दी। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल
ट्रायंगल वाली लेस हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। और देखिए जो नेक बनाया है हमने काफ़ी गहरा बनाया है, सिर्फ हमने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी रखी है जो कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। देखिए जो हमने ये डोरी लगाई थी जिगजैग करती हुई, देखिए कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि हमने जो साड़ी का कपड़ा था उसकी ये डोरी बनाई है, थोड़ा उभर के आ रहा है, इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मैंने सिंपल से ये टसन लगा दिए हैं, देखिए कोई भी इसमें सिलाई नहीं दिख रही है। इस तरीके के लटकन भी मैंने अपलोड किए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे ब्लाउज का लुक कितना सुंदर आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।